किसान देश का अन्नदाता है, उनकी पीड़ा को दूर करना हम सभी का फर्ज है। एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षित न हुआ तो प्रदेश सरकार से नाता तोड़ सकती है जेजेपी। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह आज लक्ष्मी राइस मिल जाखल में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इलाके व जाखल एरिया की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। वहीं पत्रकारों से भी वार्तालाप किया। उन्होंने किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए इस समस्या के जल्द समाधान होने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसकी पीड़ा को दूर करना हम सभी का फर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उप मुख्यमंत्री किसानों की इस पीड़ा के संबंध में केंद्र सरकार के उन शीर्ष नेताओं से मिल चुके हैं, जो नेता कृषि कानूनों को लेकर किसानों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं से जल्द समाधान निकालने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनावों में किसानों की हितेशी पार्टी होने की बात करती है। अगर केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी छेड़छाड़ या इसे बंद किया गया तो उनकी पार्टी प्रदेश सरकार से नाता तोड़ सकती है। आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने पहले दिन से एक तो प्रॉमिस किया था कि एमएसपी नहीं तो मैं सरकार में नहीं। उसी बात पे आज भी वो अडिग हैं, अपनी बात पे खड़े हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि वो केंद्रीय मंत्रियों से जाकर के मिले, आदरणीय तोमर साहब कृषि मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, पीयूष गोयल जी से मिले, तो अपनी बात क्या करके आए, अपनी जो चिंता उनके दिमाग में थी उसको व्यक्त करके आए कि इस मसले का हल जल्दी होना चाहिए। कुछ भी हो लेकिन किसान देश का अन्नदाता है और हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि उसकी पीड़ा को कम किया जाए, और उस बात को सरकार ही कर सकती है। तो ये बात अपनी कह करके आए कि बैठ करके बात और इसका हल निकले। देखिए, हरियाणा सरकार का इशू नहीं है ये, इशू केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ही तीनों बिल लेकर के आई है, तो हरियाणा सरकार में मान के चलता हूँ कि उनका कोई इसमें क्लेश मात्र भी कोई किसी तरह का हिस्सेदारी नहीं है। और केंद्र सरकार को ही दुष्यंत जी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ, वो ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं। आपको केंद्र सरकार का वो ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, और एक कोई प्रांतीय सरकार असेंबली में उसको जो है ना उसके ऊपर कोई बिल लेकर के